सिंपल मैं दिस पीसी पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज में चलते हैं, देखते हैं कि ये हमें कितनी रैम वाली आरडीपी मिली है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो भाई साहब 16 GB रैम है इस आरडीपी की। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एएमडी का आपको प्रोसेसर मिलेगा जो कि 2.44 GHz का होगा और विंडोज सर्वर 2022 है। यहाँ पर ये भी आप लोग इजीली देख पा रहे हो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। ओके जी, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 2 GB प्लस इंटरनेट स्पीड आपको मिल रही है जो कि दिन टाइम आपको 3 GB तक भी मिल जाएगी। जैसे कि आप देखें ये 2.5 GB तक तो पहुंच चुकी है इस टाइम पर भी, और दिन के टाइम ही आपको मजीद तेज इंटरनेट मिलेगा। देखें आपके सामने 3.5 GB का आपको अपलोडिंग स्पीड मिल रही है इस आरडीपी के अंदर, बहुत ही ज्यादा कमाल की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग यूट्यूब या गूगल में सर्च कर रहे हो हाउ टू क्रिएट फ्री आरडीपी, या आप गूगल या यूट्यूब में सर्च कर रहे हो गेट फ्री आरडीपी, तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विंडो आरडीपी क्रिएट करना सिखाऊंगा जिसमें आपको 16 GB रैम मिलेगी, एएमडी प्रोसेसर मिलेगा, उसके साथ साथ आपको अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट मिलेगा। एक बात मैं आपको श्योर कर देता हूँ, अगर आप आज की ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो आपको दूसरों की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी या आपको मजीद सर्चिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही वाली आरडीपी आपकी तमाम जरूरियात पूरी कर देगी। अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का कंटेंट अपने इस चैनल पर लाता रहता हूं। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और राइट भाई लोगों, आरडीपी बनाने के लिए आपके पास इन दो चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले आपको एक नोटपैड मिल जाता है, उसके बाद आपको एक मिल जाता है सॉफ्टवेयर, या फिर आप कह लें इसको एक टूल, ठीक है। अब ये जो उनका नोटपैड है ये मिलेगा आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां जैसे ही आप जाओगे वहां पर आपको इस नोटपैड का लिंक मिल जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने इस टूल को कहाँ से डाउनलोड करना है, सिंपल आपने क्या करना है, आपने अपना कोई सा ब्राउजर ओपन करना है, गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद आपने सर्च करना है लाइट मैनेजर, ठीक है, या आपने गूगल में सर्च करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस फर्स्ट वेबसाइट को न्यू टैब में ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके सामने ये ओपन हो जाए आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ को, और यहाँ पर आपको ये मिल रहा है एक लिंक, ठीक है, romviewer.exe, आपने इस पर क्लिक करना है और इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपके सामने कुछ ये इस तरह का देखने को मिल जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपल इसको एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करना है और आपके सामने ये आपका टूल जो है वो इस तरह का देखने को मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर मिनिमाइज कर देना है। अब आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है, यहाँ से मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, पुराने वालों को क्रॉस कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने सर्च करना है गिटहब। गूगल में सर्च करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको गिटहब का अकाउंट क्रिएट करना नहीं सिखा रहा, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, या आप इसको खुद क्रिएट कर लें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये जो सा मेरा गिटहब का अकाउंट है, इसको मैंने बनाया था अपने आउटलुक के ईमेल पर, ठीक है। आप जीमेल पर भी इसका अकाउंट बना सकते हो, आउटलुक पर भी बना सकते हो। तो आपने पहले तो अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने देखिए ये न्यू का ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक करना है, मतलब कि आपने न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। अब यहाँ पर रिपोजिटरी नेम देना है। आप क्या करें, यहाँ पर ये आपको ऑटोमेटिकली कोई नेम सजेस्ट कर रहा होता है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये अवेलेबल भी है। तो सिंपल आपने इसको नीचे की तरफ लाना है और क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये आप न्यू पेज पर ले जाएगा। अब ध्यान रहे एक बात मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपके सामने लिखा आ रहा होगा नज़र अनवॉच वन। अगर तो यहाँ पर आपके पास ये अनवॉच वन नहीं आ रहा, यहाँ पे आपके सामने अनवॉच जीरो है, तो आपकी आरडीपी जो है वो नहीं बनेगी, जो आपका सर्वर है वो नहीं बनेगा। अब मेरे पास यहाँ पर इस कंप्यूटर के अंदर दो गिटहब के अकाउंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये पहला तो ये वाला है जो सा मेरा आउटलुक पर बना हुआ है, ठीक है, इस पर यहाँ पर मेरा जो अनवॉच वन है वो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको एक नवे ब्राउजर में लेकर चलता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पर मैं अपने दूसरे ब्राउजर में आ चुका हूँ जिसमें मेरा दूसरा गिटहब का अकाउंट है, ठीक है। पहला जो है वो ये वाला है जिसके अंदर अनवॉच वन आ रहा है न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद, और ये
है, एक मेरा दूसरा है जो कि जीमेल पर मैंने गिटहब का अकाउंट बनाया हुआ है। तो समटाइम क्या होता है, जब मैं इस जीमेल वाले पर बनाता हूँ ना, तो यहाँ पर मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने उस पर अभी पहले वाले पर क्लिक किया था, यहाँ पर इसको ये नेम दे देते हैं और यहाँ से इसको नीचे करके क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखें ये अनवॉच 0 आ रहा है, ठीक है। अगर आपके पास भी इस तरह आ रहा है तो भाई आपकी भी आरडीपी नहीं बनेगी। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ये अनवॉच 1 क्यों नहीं आ रहा। हो सकता है कि अगर एक कंप्यूटर के अंदर 2 अकाउंट बनाए हो तो आपके सेकंड वाले अकाउंट पर ये अनवॉच 1 ना आए, जिस तरह मेरा ये वाला सेकंड अकाउंट था और जो सा मेरा ये वाला है ना, ये वाला ये मेरा फर्स्ट अकाउंट था, तो इस पर मेरा अनवॉच 1 हमेशा आ जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके पास ये वाला अनवॉच 1 आए, अदरवाइज आपकी आरडीपी नहीं बनेगी। अगर आपके पास एक पीसी में नहीं आ रहा तो आप क्या करें, किसी और इंटरनेट से किसी और कंप्यूटर में अकाउंट बनाएं, तो उम्मीद है फिर आपके पास ये आ जाएगा। अगर जीमेल पर ना आए तो आप क्या करें, अपना आउटलुक से इसका अकाउंट बनाएं गिटहब का, ठीक है। तो यहाँ पर अनवॉच 1 आ जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने एक्शंस पर जाना है। एक्शंस पर आने के बाद आपने यहाँ पर सेटअप वर्कफ्लो योरसेल्फ ये वाला आपको लिंक मिलेगा, आपने इस पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपने क्या करना है, आपने जो सा नोटपैड डाउनलोड किया था ये वाला नोटपैड, यहाँ पर आपने इसको ओपन कर लेना और इसको कंप्लीट को सिलेक्ट ऑल कर लेना है और यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने वो वाला पूरे के पूरे को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर आपने कमेंट चेंजेस पर क्लिक करके अगेन कमेंट चेंजेस पर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर आपकी जो YML की फाइल है वो आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, एक्शंस पर जाना है। एक्शंस पर जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने देखे विंडोज लाइट मैनेजर, आपने इस पर आना है और यहाँ पर रन वर्क फ्लो पर क्लिक करके ये ग्रीन वाले रन वर्क फ्लो पर आपने एक बार क्लिक कर देना है। अब आपके सामने देखें यहाँ पर वर्क फ्लो रन वॉज सक्सेसफुली रिक्वेस्टेड, बट यहाँ पर आपके सामने कुछ भी शो नहीं होगा। ये देखें आपके सामने ये एक मिनट बाद खुद आ जाएगा, या फिर आप क्या करें एक बार इसको यहाँ से रिफ्रेश कर देना तो ऑटोमेटिकली आपके सामने ये वाला जो ऑप्शन है वो शो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर आपने स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, अब यहाँ पर डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग होगी, तो आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर वेट करना है जब तक ये टाइम काउंटर तक ना आ जाए। तो यहाँ पर आपने जस्ट वेट करना है। और राइट भाई लोगों, यहाँ पर जो हमारा सर्वर है वो रेडी हो चुका है। तकरीबन 8 से 9 मिनट लिए इसने सर्वर क्रिएट करने के लिए, बट ये हमारा यहाँ पर देखें टाइम काउंटर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये सारी जॉब कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद जब ये आपके सामने आ जाए तो समझ लें कि आपकी आरडीपी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब आपने इसको लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो आपने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ था आपने इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह का शो होगा, तो आपने यहाँ पर एड न्यू कनेक्शन पर क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है इस पर। अब यहाँ पर वो आपसे आईपी एड्रेस मांग रहा है और नीचे पासवर्ड मांग रहा है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर आपने अपनी गिटहब की वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर देखें आपको मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने देखें ये लाइट मैनेजर की आपको आईडी मिल जाएगी, यहाँ पर आपने इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर वो अपना आईडी को पेस्ट करना है, अगेन वापिस जाएंगे और यहाँ से नीचे देखें आपको पासवर्ड मिलेगा, आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, यहाँ पर आकर अगेन आपने इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो चुका है, सिंपल आपने ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने देखिए ये ऑफलाइन शो हो रहा है, अभी यहाँ पर ये ऑनलाइन कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपने कनेक्ट पर क्लिक करना है। ओके जी, यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑटोमेटिकली यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर पहले ये ऑफलाइन था, आपके सामने देखते देखते यहाँ पर ये लॉगिन भी हो चुका है। अब आपने सिंपल इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपका सर्वर है वो रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको यूज करना है, इसको बड़ा कर लें, इसको आपने क्रॉस नहीं करना, इसको उठाकर आप कहीं भी साइड पर लेकर जा सकते हो। यहाँ पर आपने अपना माउस सर्कल लाना है और यहाँ से ना आपने इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है स्क्रीन की, यहाँ पर आपने इसको फुल स्क्रीन पर कन्वर्ट कर देना ताकि आपको ज़्यादा मज़ा आए ये वाला सर्वर यूज़ करने में। तो यहाँ पर आपको फायरफॉक्स का और क्रोम ब्राउज़र जो है वो प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं। सिंपल यहाँ पर आप इसको डबल क्लिक करके ऑन करें, आप इसको चलाएं, यूज़ करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ से फिलहाल इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके अंदर आपको रैम वगैरह भी मिलती है, तो यहाँ पर आप माई कंप्यूटर में चलते हैं
और आपको चेक करवा देता हूँ कि कितनी रैम मिली है और इसके अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर देखने को मिला है। ऑलराइट जी, यहाँ पर हमारे सामने ये वाला जो टैब है वो ओपन हो चुका है। सिंपल मैं दिस पीसी पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, देखते हैं कि ये हमें कितनी रैम वाली RDP मिली है। तो सिंपल यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आपके सामने सेटिंग को ओपन कर देगा और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो भाई साहब 16 GB रैम है इस RDP की। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि AMD का आपको प्रोसेसर मिलेगा जो कि 2.44 GHz का होगा और विंडोज सर्वर 2022 है। यहाँ पर ये भी आप लोग इजीली देख पा रहे हो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब कोई भी भाई नेगेटिव कमेंट ना करे, जैसे जैसे बता रहा हूँ बस वैसे वैसे आप लोगों ने करना है तो आपको भी ये वाली RDP मिल जाएगी। सिंपल यहाँ पर क्रोम को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर डोंट साइन इन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मोर पर चलते हैं, नीचे आकर गोट किट पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं भाई। ओके जी, अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपना इंटरनेट स्पीड को चेक करेंगे, उसके बाद अपना IP एड्रेस चेक करेंगे। ओके, यहाँ पर स्पीड टेस्ट मैंने गूगल में सर्च कर लिया है और यहाँ से इस फर्स्ट वेबसाइट को ही हम ओपन कर लेते हैं एक न्यू टैब में। यहाँ से इसको स्पीड टेस्ट पर लगा देते हैं ताकि हमें पता लग सके कि इस RDP के अंदर हमें कितनी स्पीड का इंटरनेट मिल रहा है। ओके जी, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 2 GB प्लस इंटरनेट स्पीड आपको मिल रही है जो कि दिन टाइम आपको 3 GB तक भी मिल जाएगी। जैसे कि आप देखें ये 2.5 GB तक तो पहुंच चुकी है इस टाइम पर भी, और दिन के टाइम ये आपको मजीद तेज इंटरनेट मिलेगा। देखें आपके सामने 3.5 GB का आपको अपलोडिंग स्पीड मिल रही है इस RDP के अंदर, बहुत ही ज्यादा कमाल की है। यहाँ पर इसको मैं बंद कर देता हूँ, इंटरनेट स्पीड का तो हमें आइडिया हो चुका है। यहाँ से इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पर अब हम चेक कर लेते हैं IP एड्रेस को कि हमें इस RDP में कौन सी लोकेशन मिली है। ऑलराइट, यहाँ पर मैं इसको सर्चिंग पे लगा देता हूँ माई IP एड्रेस लोकेशन को और यहाँ से इस फर्स्ट वेबसाइट को न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो हमारी RDP है, जो हमारे ये वाला सर्वर है वो USA का है। यहाँ पर आपके सामने सिटी भी शो हो रही है, उसके अलावा आपको यहाँ पर रीजन शो हो रहा है, उसके अलावा जो कंट्री नेम है वो यहाँ पर आपके सामने यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है। तो मतलब कि ये USA की RDP है। अब आप इसके अंदर कोई भी अपना टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर मैं YouTube ओपन कर लेता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ भाई कि YouTube वगैरह भी इसके अंदर ईजीली चल जाएगी। लेन जी, आपके सामने यहाँ पर YouTube भी ओपन हो चुका है। अब आप इसके अंदर जो सर्च करें, जो देखना चाहें, जो करना चाहें वो आप इस RDP के अंदर इजीली कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये RDP यूज़ की और मैंने यहाँ से इसको बंद कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से भी इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देते हैं ताकि हम ये RDP यहाँ से बंद कर दें, ठीक है। बट यहाँ पर जब तक ये आपके सामने ऑनलाइन शो हो रहा है ना, तो समझ लें आपकी RDP जो है वो हर टाइम के लिए अवेलेबल होगी, ठीक है। अब मैं कल इसको यूज़ कर रहा था इस RDP को और यूज़ करते करते मेरी लाइट चली गई यहाँ की, हमारे यहाँ लोड शेडिंग काफ़ी हो रही है तो लाइट चली गई भाई साहब। तो तकरीबन मैंने काफ़ी टाइम के बाद अगेन आकर, तकरीबन 2 से 4 घंटे के बाद अगेन कंप्यूटर जब ऑन किया तो ये मेरी RDP जो है वो सक्सेसफुली चल रही थी। मतलब कि मैंने तकरीबन 3-4 घंटे के बाद आकर अगेन PC ऑन किया तो यहाँ पर ये ऑनलाइन था, इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो मेरे सामने अगेन मेरी जो रिमोट स्क्रीन है, जो मेरा सर्वर है, वो मेरे सामने वैसे ही शो कर दिया गया। तो मतलब ये है कि आप इसको अगर बंद भी कर दें और यहाँ पर ये वाला जो आपका सर्वर है अगर वो चल रहा होगा, ये टाइम काउंट जो चल रहा है, अगर ये चल रहा होगा तो समझ लें आपकी RDP जो है वो सक्सेसफुली चल रही है। जब यहाँ से ये बंद हो जाएगा तो समझ लें कि आपकी RDP भी बंद हो चुकी है। तो दिन में आप ज़्यादा बार ये ना बनाइएगा, तकरीबन एक बार ही बना लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपके काफ़ी आवर्स निकाल देगी ये वाली RDP। मतलब कि एक बार अगर आपने सुबह टाइम इसको क्रिएट कर लिया तो ये आपके लिए काफ़ी टाइम के लिए चल जाएगी, जिसमें आप अपना कोई भी टास्क, कोई भी काम इजीली कर पाओगे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ भी सीखने को मिला है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया होगा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भाई लोगों, 8K सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो जल्दी से करवा दो यार ये भी, ताकि हम भी अपने 10K की तरफ बढ़ें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।